गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ बाथ एंड बॉडी वर्क्स के और प्रोडक्ट के बारे में। सो गाइज आज जिस प्रोडक्ट की मैं आपके साथ बात करूंगी दैट इज द बॉडी स्क्रब ऑफ बाथ एंड बॉडी वर्क्स। सो गाइज ये जो बॉडी स्क्रब है ये विंटर कैंडी एप्पल, मैंने इसके हैंड क्रीम के बारे में भी बात की थी अपनी लास्ट वीडियो में। सो गाइज ये विंटर कैंडी एप्पल स्क्रब है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का, जो कि उनके विंटर कलेक्शन का पार्ट है। दिस स्क्रब इज नोन एज फनफिटी बॉडी स्क्रब बिकॉज इट जस्ट लुक लाइक दैट ओनली। बिल्कुल इसका व्हाइट फॉर्म है, यू कैन सी सो मेनी कलरफुल स्पार्कल्स इन इट। एंड इसकी जो क्वांटिटी है गाइज दैट इज 175 ग्राम। ये एक ट्यूब फॉर्म में आता है, यू कैन सी काफी बड़ी ट्यूब है, यू कांट से कि बहुत नॉर्मल ट्यूब है ये। इजीली अगर आप इसको वीक में ट्वाइस यूज करते हैं तो आप इसको ऑलमोस्ट मोर देन 10 टाइम्स यूज कर सकते हैं बॉडी स्क्रबिंग के लिए। गाइज इसमें आप देखेंगे सो दिस विंटर कैंडी एप्पल स्क्रब कंटेन्स रेड एप्पल दैट विंटर रोज पेटल्स ऑरेंज, ये सारी फ्रेग्रेंसेज आपको इसमें मिलेंगी। प्लस इसमें शिया बटर और विटामिन ई भी है विच इज एब्सोल्युटली गुड फॉर योर स्किन। सो गाइज यूजुअली व्हेन वी आर गोइंग टू सेलेक्ट अ स्क्रब तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसा स्क्रब लें, क्या कौन सा स्क्रब हमारी बॉडी को सूट करेगा। गाइज अगर आपको उनके अंदर जो बिल्कुल माइल्ड से जो आपको लगता है स्क्रब से आपकी बॉडी पे आपको इरिटेशन होती है या यू फील कि आपकी बॉडी पे आपको रैशेज आ जाते हैं स्क्रब यूज करने के बाद, सो यू कैन गो विद दिस स्क्रब। गाइज इसके अंदर जो फॉर्म की फॉर्म में ये आएगा आपका ये स्क्रब एंड आपको बिल्कुल भी आपकी स्किन पे इरिटेशन फील नहीं होगा बिकॉज इसके जो स्पार्कल्स हैं बहुत ही ज्यादा माइल्ड और सॉफ्ट से हैं। सो जब आप उसकी स्क्रीन पे अपने रब करेंगे सो ये बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएंगे आपकी वाटर के साथ में आपकी स्क्रीन पे। सो ये स्क्रबिंग का काम भी करेगा प्लस आपकी स्किन को डैमेज भी नहीं होने देगा। इसमें शिया बटर है विच विल डेफिनेटली गिव यू अ गुड मॉइस्चराइजर, सो आपकी स्किन काफी ज्यादा आपको सॉफ्ट फील होगी आफ्टर अप्लाइंग दिस स्क्रब। प्लस इसमें विटामिन ई भी है जो कि मैंने पर्सनली देखा गाइस। ये वाला स्क्रब मैंने अभी ज्यादा यूज नहीं किया, एज यू कैन सी द पैकेजिंग, मैंने उसको ऑलमोस्ट सिर्फ 3 या 4 बार यूज किया है स्क्रब को भी, बट स्टिल गाइज आप इसमें विटामिन ई है सो आपकी स्किन के अंदर जैसे आपको फील होता है बिल्कुल की ड्राइनेस है या आपको लगता है कि आपकी टैनिंग टाइप्स है, आपके पैचेस हैं हल्के हल्के, सो वो आपको काफी बेटर फील होगा। मैं काफी सारे बॉडी स्क्रब्स यूज करती हूँ गाइज, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के यूज करती हूँ, बट अगर मैं इंडिविजुअली इसकी बात करूँ, इस स्क्रब की बात करूँ कि अगर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस स्क्रब बिकॉज ये काफी ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट है एज कम्पेयर टू अदर स्क्रब्स ऑफ नॉट ओनली ऑफ बाथ एंड बॉडी वर्क्स। इवन आप अगर कोई और ब्रांड्स की भी बात करूं मैं, उनमें भी काफी डिफरेंट स्क्रब ये मुझे फील हुआ। ये ट्यूब फॉर्म में आता है, क्वांटिटी काफी अच्छी है एंड क्वालिटी इज वेरी गुड, आप इसको कैरी कर सकते हैं, बिल्कुल लीकेज इशू नहीं होगा। आप इसको देखेंगे तो ये ट्यूब फॉर्म में इस तरीके से आता है एंड एज आई टोल्ड यू ये फॉर्म स्टाइल में है सो ये आपको ऐसे फील होगा। एंड गाइज ये बिल्कुल आपको थिक है, मीन्स ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में आता है, बिल्कुल थिक है, यानी काफी कम क्वांटिटी आपकी बॉडी पे अप्लाई होती है। ये मैं आपको दिखाने के लिए इतनी क्वांटिटी ली है बट ओवरऑल अगर आप इसको अपनी बॉडी पे अप्लाई करेंगे सो काफी ड्यूरेबल है ट्यूब, काफी टाइम तक चलेगी। आप इसको धीरे धीरे अपने हैंड्स पे अपनी बॉडी पे आप इसको ऐसे स्क्रबिंग के लिए करें एंड जैसे आप स्क्रबिंग करेंगे यू विल फील वेरी सॉफ्ट अबाउट इट कि आपको कभी नहीं लगेगा कि आपकी स्किन पे आपको इरिटेशन हो रही है या आपके रैशेज आ जाएंगे बिकॉज मेरी स्किन काफी सेंसिटिव और ड्राई है गाइस। सो जब भी मैं अपनी बॉडी पे स्क्रबिंग करती हूँ या कोई स्क्रब सेलेक्ट करती हूँ सो आई पर्सनली टेक केयर ऑफ इट कि वो स्क्रब बिल्कुल भी मेरी स्किन के लिए हार्मफुल ना हो। सो गाइज जैसे ही मैं धीरे धीरे इस पे स्क्रबिंग करूंगी आप देख सकते हैं ये जो इसमें स्पार्कल्स हैं ये डाइल्यूट हो जाएंगी बिल्कुल। एंड आफ्टर वॉशिंग इट गाइज यू विल फील अ वेरी गुड मैजिक इन योर स्किन, आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट फील होगी आपको। इनफैक्ट आप जब इस पे आप चाहें तो इस पे लोशन भी लगा सकते हैं, आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप इस पे बॉडी बटर ही लगाएं बिकॉज मैं इन पर्सनली मैंने विंटर कैंडी का मेरे पास ओवरऑल पूरा कलेक्शन है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का। सो आप इस पे चाहें तो अपना लोशन अप्लाई कर सकते हैं, बॉडी बटर अप्लाई कर सकते हैं, आपको फुल डे फ्रेग्रेंस आएगी, बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है इसके गाइज। सो आप इसको धीरे धीरे अपनी बॉडी पे स्क्रब करें एटलीस्ट फॉर 5 to 6 मिनट एंड उसके बाद आप अपने हैंड को वॉश कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट शो यू द रिजल्ट आफ्टर वॉशिंग माय हैंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, आई एम हैविंग दैट पेट्रोल। Guys, you can see the difference. इसमें आपको काफी ज्यादा शाइन सा फील हो रहा होगा इस हैंड में, मैंने जिस पे स्क्रब अप्लाई किया था। सो गाइज इसमें आपको आप जब इसको स्क्रबिंग करेंगे आपकी स्किन में नो डाउट आपको थोड़ा सा आपको
मॉइस्चराइजर तो बट ऑफकोर्स बाद मिलेगा अभी आपको, इवन टैनिंग अगर आपकी स्किन पे रहती है, बिकॉज अगर आप बाहर जाते हैं आते हैं आप सनस्क्रीन लोशन यूज़ करें चाहे ना करें, बट स्टिल हमारी स्किन पे टैनिंग आ जाती है। तो इस स्क्रब को यूज़ करने के बाद में आपको वो टैनिंग भी फील नहीं होगी, धीरे धीरे करके आपको फील होगा कि आपकी वो टैनिंग लाइट होती जा रही है। सो गाइज, अगर आप विंटर कैंडी एप्पल बाथ एंड बॉडी वर्क्स का स्क्रब यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे ट्राई डेफिनेटली कर सकते हैं। गाइज, दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैं पर्सनली बाथ एंड बॉडी वर्क्स का ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ और आपके साथ अपना रिव्यू शेयर कर रही हूँ इफ यू वॉन्ट टू परचेज दिस प्रोडक्ट। एंड गाइज, इफ यू जस्ट लाइक द ओवरऑल वीडियो यू कैन प्रेस द लाइक बटन एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई मोर वीडियो एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर माई अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।